अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई इस टाइम लाहौर में कोई इतनी शदीद किस्म की गर्मी है ना, आज 44 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी तो सिर्फ आगाज़ है, अभी तो इस नेक्स्ट वीक 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा। ऊपर से हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं वो भी तंदूर बने हुए हैं। अभी कमरे में पंखा चल रहा था लेकिन हवा नहीं लगती है। हमारे ऊपर से एयर कूलर की हालत देखने क्या हुई पड़ी है, इतने साफ़ सुथरे हॉस्टल हैं हमारे। एनीवे सीन ये है कि फॉर द नेक्स्ट टू डेज गर्मी से हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल दूर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ। नॉर्थ में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बालाकोट से हम लोग जाएंगे एबटाबाद, बालाकोट से हम लोग जाएंगे किवाई वाटरफॉल, एबटाबाद, शुगरान, और इस तमाम चीज़ों को मैं करूँगा वीडियो के फॉर्म में डॉक्यूमेंट, क्योंकि इट्स आवर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम लोग गए थे और पिछले साल हम लोग गए थे मुश्कपुरी टॉप पर, और वो था हमारा वन डे टूर और ये है हमारा दो दिन का स्टे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि ये है हमारा आखिरी साल। तो इट विल बी कि यार मेमरी फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक है, मेरी इंग्लिश ना बीच में फंस जाती है, सो आप लोगों ने ना ज़रा बर्दाश्त करना इस चीज़ को। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश बट इट स्टक्स सम टाइम। ठीक है, इट नीड्स टू लुब्रिकेट, तेल लगाने वाला हुआ है इंग्लिश को। ठीक है, क्या जोक मारा भाई। तो भाई अभी सीन ये है कि अभी मैं पैकिंग वगैरह करता हूँ, तो फिर जैसे ही सारे हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से हम लोगों ने जाना है डिपार्चर के लिए, तो वहाँ पहुँच के मैं आपसे मुलाकात होती है। ओके, 5 hours later। हाँ जी, तो भाई रेडी शेडी हो गया हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट से ही हमारा डिपार्चर है। रूम में कोई था नहीं जो मुझे छोड़ के आ सके, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो मोस्टली तमाम रूममेट्स जितने भी हॉस्टलाइट्स होते हैं वो घर वापस चले जाते हैं। तो अब डिपार्टमेंट पहुँचते हैं और डिपार्टमेंट पहुँच के देखते हैं कि अभी कौन कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम बॉय चौहत वजी खान, और सुना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुना किधर है बक्की इमाम? मैं सुनने में आया था मैनेजमेंट तो कह रही थी गाड़ी 10 बजे पहुंची होगी। बस यार सामने भाई ये जुनेद भाई, इसको तो आपने पिछले व्लॉग में देखा था। फरकान भाई फ्रॉम क्वेटा, इसको तो आप जानते ही हैं चावल को। तो भाई आप सारे आ जाएं तब आपकी मुलाकात करवाएंगे सारों से। डूबे गए क्यों? तो यार वो लंबा सामान है, लंबा टूर है, और दो एक रात का टूर है, लंबा टूर है भाई। खुदा ना खादे कपड़े फट गए, कहीं में गिर गुर गया, कुछ ट्राउजर शोल्डर फट जाता है, कुछ दोबारा करी ट्राउजर शोल्डर फट कहां रख के दोबारा नहीं है। तो आप ऐसे काम ना ना करोगे, आप ट्राउजर फट ले कर ले लो। कहता है क्या यार, मैंने लेके आना था, मेरा घर रह गया ये, ऐसे पहनते ऐसे। मैं बहुत जितनी के तेरी तो होने रिजे भी नहीं आ रहे। गाड़ी में चलने दो, इधर देख यार, अबू अबू अनस 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 उन्हें वाजे भी पता है। चल यार हाफिज, सारे चुप करे, गाना कौन सा तुझे तो आज तक नहीं मिला, 28 साल हो गए। ये हमारी क्लास के सबसे बुजुर्ग इंसान अरे भाई। नहीं नहीं वो वापस है, हम लोग प्राइवेट इज्तिमा पे जा रहे हैं। गाना 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 मैं जो जी मजा तो मौज में करेंगे। दुआ पढ़ रहा है, अरे बकार अच्छा दुआ पढ़ रहा है, सबके लिए दुआ पढ़ा, हम भी पढ़ लेते हैं। 1500 हंसते कहते इस बार तो फरहान भी दुआएं करेगा।
लास्ट टाइम तो मौका नहीं मिला था, चपल इंसान। तो भाई फाइनली हम सब बस में बैठ चुके हैं, आराम से बैठ चुके हैं यकी भाई। तो भाई जैसे ही हम मंजिल की तरफ, मंजिल की तरफ जाते जाएंगे, मैं हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग, बजा तुम हो और उसके बाद सिंधी धरती, उसके बाद बाबा जल्दी आए। तो गाइस फाइनली हम सब बस में बैठे हैं, मेरे साथ बस जाने लगे हैं, बस ये टर्न बहुत बुरा था वैसे, टर्न बहुत बुरा है, लेकिन हम फिर भी निकल पड़े हैं। इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, इसकी टेंडी पे मारो फरना। मेरा मुंह तो उधर होने दे पहले। चल प्राण भाई मेरा स्टेप आ गया था, फातिमा के पास पूरा व्लॉग रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट टाइम नाजरे एरिया घूमने जा रहा हूँ तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। भाई ये हैं हमारे नौशाद भाई फ्रॉम सिंध। सिंध में आप कहाँ से? सर मैं सिंध से, वैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नौशहरा कहलाती है, फुल नाम उसका नौशहरा फिरोज़। कंडियाल सिटी से डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज। भाई ये है सिंध का फ्यूचर डीसी सखर है ये। थैंक यू सर। और चिन्नू की हो गया पंबीरी, ये भी नहीं ठंडा। अरे तेरा वॉलेट मिल गया? हाँ मिल गया मेरा वॉलेट। गाइस स्ट्राइक पंक्चर हो गया गाइस, हाँ जी। आपस में बहसें हो रही हैं और ये भाई टायर जो पंचर हुआ है वो सही कर रहे हैं, टायर पंचर है, ये नया टायर पड़ा है। भाई स्टेप नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं लगती है कि नहीं इनसे। एंड वी विल गिव यू अ नेक्स्ट अपडेट। दिस इज उस्मान भाई, द ऑनर ऑफ दिस बस। ओके थैंक यू। इधर देख आजा, तो देख पीछे तो भाई ये फातिमा की मम्मा बनवा के लाई है, हम सारे फातिमा की मम्मा को थैंक यू बोलो। थैंक यू मामा, बोलो आप। थैंक यू सो मच मामा। फातिमा की मम्मा थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू सो मच आंटी, लॉन्ग लिव आंटी। इसके पीछे गाना लगा दूंगा। हेलो बच्चों, इधर देखो, मेरे पास दोबारा से नहीं है। पियो यार पियो, लेक्चर दे रहा हूँ भाई। We'll be right back.
भाई फाइनली हम लोग बालाकोट आस्था फाइनली हम लोग बालाकोट पहुंच चुके हैं। नहीं आ रहा आस्था बोल आस्था करो बोल उल्टियां आ रही है ना कर मेला नहीं आ रहा इधर भी तुझे उल्टी आ रही है यार मेला नहीं आ रहा अब आ यार पिंगे नहीं चल बैठ जा बैठ जा कैसे हैं आप उमन उमर उमर भाई फाइनली हम लोग बालाकोट पहुंच चुके हैं और इतना कोई लेवल का रास्ता था ना मैं फर्स्ट टाइम आया हूं और कसम खुदा की मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि कितनी खूबसूरत जगह थी। ठीक है हम हुंजा वैली से आए हम लोग हुंजा मोटरवे से आए जो पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन से बना था और यकीन माने इतना कोई खूबसूरत इलाका है ना अब मुझे समझ आ रहा है कि परीजाद अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के बालाकोट ओ नॉर्दर्न एरियाज में क्यों आया था। ठीक है फिलहाल मेरी इस आवाज़ को इग्नोर मारे की पर सारी नारेबाजी करते हैं हम लोग कौन सी नारेबाजी की आप बस यार मिक्स करते हैं जिम बात बात कहे तो अब हम अभी हम नाश्ता वगैरह करते हैं तो नाश्ता वगैरह करके फिर आप लोगों को सारा व्यू दिखाते हैं चेक करें माशाल्लाह 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 मैं पता नहीं कहाँ जाने वो वैसे ही जा रहे हैं हाँ मरा सही हेलो बिलाल भाई इधर आ कैसी तबीयत है बिलाल भी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहे व्लॉग बना रहे हैं या सिर्फ व्लॉग 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 सुन मेरी ओए अकी सोच के पाके आए की बा है ए वॉलीबॉल खेलने चल रहा है मम्मा मुंह वेख तो काम वेख अपने तो किदा कर रहे ओए तो भाई नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है तो अब हम जाएंगे यहाँ से किवाई वाटरफॉल और किवाई वाटरफॉल से पे हम लोग जाएंगे शुगरान। ठीक है और इस वक्त मैं खाना खाने के बाद वॉक कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे मशकूरी टॉप तो नाश्ता मिल रहा था ज़रा पहले मुझे लगा नाश्ते के पैसे देने हैं लेकिन जब बाद मुझे पता लगा कि नाश्ता इंक्लूडेड है सारे पैकेज के अंदर तो मैंने तीन तीन पराठे खा लिए और जिसका खुमियाजा पूरे सफ़र में मुझे भुगतना पड़ा। ठीक है इस दफ़ा मैंने सिर्फ आधा पराठा खाया तो अब मैं वॉक वगैरह कर रहा हूँ और जरा सीनरी एंजॉय करो जरा चेक करें माशाल्लाह भाई अब हम सब बैठ गए हैं नेक्स्ट स्टॉप किवाई वाटरफॉल बालाकोट सिटी ਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਪਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਣੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਕਣੀ ਦੀ ਸਲਾਮੇ ਜੇ ਮੰਗੇ ਆਇਆ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੈਰ भाई अभी हम लोग रुके हैं ज़रा 5-10 मिनट के स्टे के लिए और माशाल्लाह से यार ज़रा व्यू चेक करो सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह यार मैं सोचता हूँ अगर ये इतने इतना प्यारा है तो सोचे अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है वो कितनी प्यारी होगी माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रा एक क्लोजअप चेक कीजिएगा ये चेक करें भाई जान सुभानअल्लाह अभी अब सारे डिसाइड करें कि अभी हमने करना क्या है किस तरह ऊपर जाना है क्योंकि ऊपर आई थिंक वो लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है तो लेट्स सी अभी क्या करते हैं हम लोग
क्या कैसा है आसिफ भाई? अपना फोन दे दिया यार, एक मिनट मैं बनावा तो भाई अभी हम जा रहे हैं आबशार में नहाने और जरा इसकी रस चेक कीजिए। आबशार में नहाएंगे? आबशार में नहाने जा रहे हैं। आबशार में? आबशार। और ये हमारी कैमरामैन नंगे भाई, जरा नहा के आपको दिखाते हैं। रुको फॉर्म, रुको चलो। रोटी ऐसे नहीं पूरी होनी, भाई मजा आ गया भाई। सुनो वो कह रहा है जो टूर गाइड है ना, कह रहा है जीप में बैठो और निकलो ऊपर, जीप रेडी है। हाँ पता है, अपना सामान उठाओ साथ। सामान उठाओ भाई। इस वक्त हम सब बैठ चुके हैं जीप पर और अब हम जाएंगे सीढ़ी पर। और कन्ने क्यों खाना है? सब हाथ हिला दो। मोस्ट एडवेंचरस राइड ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अभी हम आए आबशार से, वहाँ हम इतना मजा है और जरा माउंटेन्स का व्यू चेक करें। इन माउंटेन्स में और ऊपर हुई है लैंड स्लाइडिंग, ये पानी आप देख सकते हैं। ऊपर शदीद किस्म का ट्रैफिक जाम है, लैंड स्लाइडिंग भी हुई है और अब हम जाएंगे शीप के ऊपर, जीप के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी हमारा सफर कैसा जाता है। पाक खाई होते रखी। अरे माशाल्लाह क्या व्यू है भाई।
कैमरा के नाल जीप और एडवेंचरस राइड मजा। गाने बंद कर दे यार। मैंने किसी का कोई दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। बहुत हेरा खेचना है भाई जान, जरा एक कदम का फासला है और चेक करो बहुत और चक्कर है ऐसा तेरा भाई याद आ रहा है जाना मेरे पर किसी भी का जाना कुछ जाना मैं ऐसा क्या जाना पर जाना वो है डन से नहीं ले रहे मेरा पक्का पक्का और भाई फाइनली कोई 2 घंटे की जीप की राइडिंग के बाद हम लोग पहुंचे सिरी पॉइंट पर। अभी हम लोगों ने जाना है मजीद ऊपर, वहां पे पहुंच गए सिरी पॉइंट। अभी हमने मजीद ऊपर जाना है वहां पे, वो जो चोटी आपको नजर आ रही है ना वहां पे। और कसम खुदा की इतना कोई खौफनाक किस्म का सफ़र था ना, सिंगल रोड और वहीं से दो दो जीप्स आ रही हैं और जा रही हैं। एनी वेज कहते हैं ना मज़ा तो सफ़र में आता है, मंजिल तो बस पिक्चर्स देने के लिए होती है, एक बहाना होता है। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो, सब हाथ ला दो। तो अभी हम जाते हैं ऊपर और ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। वो सामने आपको शायद प्रॉपरली नज़र ना आ रहा हो, वो बर्फबारी भी हुई है पहाड़ों पे, तो वहाँ पे स्नो काफ़ी जमी हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ ऊपर जाएंगे, देखें वो कितना ख़तरनाक किस्म का ट्रैक है ऊपर। उस्ताद जी चेक कर सो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो 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 जल्दी करो। मड़ा क्या हुआ मड़ा? नहीं नहीं, अब आगे बैठते हैं हम, जैसे जैसे आए वैसे बैठो। कि हमारी दो जो साथी लोग जो क्लास फेलोज हैं उनकी जीप ऊपर चढ़ गई है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। शुक्र भट्ट थोड़ा सा म्यूजिक लगा दे नीचे से, म्यूजिक दिमाग का म्यूजिक हो पड़े इस टाइम। सारे मिलकर अब ठीक है ठीक है, अब खुल गया। तुम आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा करते हैं। बेटे पहुंच गया हूं, दोनों वापसी दफा पढ़ाऊंगे। नहीं भाई मेहरबानी कर, हाल लेता भी जो ठीक है। किसकी भाईजान, हजारों मील ऊपर पहाड़ों पर बर्फीली चट्टानों पर बिलाल की नानो के घर जाते हुए, पता नहीं मालसिया फ्री है क्या। वो वाटरफॉल क्या कहते हैं, क्या कहते थे इसको, जो हो रहा था वॉटरफॉल नहीं है, क्या हो रहा था वो यार, सीढ़ी पाए जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे भाई, कुछ शदीद किस्म के पीछे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे और शदीद किस्म के पीछे बर्फीली चट्टान है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी जीव ऊपर नहीं आ सकती, तो अब हम पैदल जा रहे हैं ऊपर। हुए बस हो गई भाई, अभी तो खुश्क हो गए, पीछे बर्फीली थी, अब आगे जा रहे हैं उधर मजीद बर्फीली है। लेकिन जरा यहाँ पे खाई चक्कर, और थले डिगना है तू, लपना भी नहीं, तो कितने गए वो लड़कों के, मैं ऐसे मारूंगा ना। पानी पूरी कोई ना, मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। मना सही, मजा आया और जीप फंस गई थी उधर। किधर गए थे तुम लोग? जीप फंस गई थी तो हमारे साथ तो थी आप लोगों की। वी हैव नो एनी अल्टरनेटिव, भाईजान
कसम खुदा की ये हमारे खड़े कसम खुदा की बस हो गई सिरी पाए। नेक्स्ट टाइम कोई मुझे पैसे देना ये ले, लेकिन अब व्यू सिरी पाए चला था व्यू देखे बहुत मैं कहूंगा तो मुझसे पैसे ले ले मुझे बात ना करनी दोबारा। ये हमारे हैं सिरी पा यार बड़ा कसम खुदा की बड़ा डेंजरस रास्ता था वो जीप वाला, आधा मोराल हमारा वहाँ से डाउन हो गया और आगे आए तो वो बर्फबारी लैंड स्लाइडिंग हो गई थी शरीर किस्म की। अभी जो मेरा सांस फूला हुआ अंदाजा लगा सकते हैं बस ये आधे पहुँच चुके हैं आधे वो पीछे बॉयज एंड गर्ल्स हैं। शदीद ठंड है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। ए या अल्लाह हक्के अल्लाह चोट ओए होए होए व्यू चेक करो माशाल्लाह व्यू चेक करो। हां बंदा वहां पे जा सकता है सारे पैसे व्यू के हैं सारी कोशिश इस व्यू की है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये जी हैकिंग करते हुए नहीं आगे जाके कौन सा पहाड़ आपने उखाड़ लिया ये चीज मिस कर दी जो आगे नहीं आया हमारे साथ वो ये देखें जो असल चीज देखने की है वो जो आने की थी देखने की थी और वो भी एक घंटे की ट्रैकिंग से मर आ गया। नो कर तू क्या कर रहा था पीछे भी रहे सी लेट रिएक्ट कर लो ये नजारे पहाड़ वाले जल्दी अब कसम से कैमरे को छोड़ा एंजॉय करते हैं भाई जान जरा व्यू चेक करो माशाल्लाह ओए होए 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 कमाल का व्यू भाई माशाल्लाह। अगर दुनिया इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم आलू ने तो फ्रंट वाली ली ही नहीं मुश्किली टॉप तो कुछ भी नहीं था दादा मुश्किली टॉप तो कुछ भी नहीं था बिलाल आपकी आवाज भी कुछ नहीं रही अनस का ओ पीछे ही लगे हैं ओ किधर जा रहे हो इधर आता ना मैं तो साथ आयशा तू बता हेलो वो पीछे मैं तो मोबाइल बंद कर दूंगा इधर आना इधर देख भाई जितने भी लोगों ने टूर मिस किया है ना जो लोग हमारे साथ नहीं है नहीं जरा ये चेक करो ओए 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 जरा चेक करो भाई जान अरे भाई पता है इनको कबूरू दी बोली चेक कर इन्हें क्या मिस जरा बर्फ बर पहाड़ा दे बर्फ चेक कर जितने भी लोगों ने पिच कराया है जितने भी लोग नहीं है वो जरा ये चक्कर है ओए ओए तुम लोग लाहौर की गर्मी में सड़ो सड़ो और हम लोग देखो वीकेंड कैसे एंजॉय कर रहे हैं चेक करो भाई चेक करो ये चेक करो ये चेक करो ये चेक करो सड़ो सड़ो भाई मेरे साथ अनस
आहद फरहान भाई जितने लोग आए थे सारे पता नहीं किस चोटी पे चले गए और मैं लेकिन हम वापसी की चोटी पे और मैं अकेला पहाड़ पर गुम हो गया हूँ। तो मैंने कहा उनको ढूंढने के बजाय मैं वापस चले जाता हूँ क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो रास्ता ऑलरेडी बहुत स्लिपरी है। चेक कर सकते हैं आप कितने स्नोई किस्म के माउंटेन्स हैं तो आगे भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो मैं वापस जा रहा हूँ तो बड़े एहतियात से उतरते हैं देखते हैं अल्लाह करे रास्ते में हमें मिल जाए। ओए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो भाई नीचे पहुँच के जीप के पास आपको मिलते हैं। वहाँ पे है वाइट कलर के मंकीज पता नहीं इनको क्या कहते हैं बबून्स जो भी कहते हैं और वहाँ इनका पूरा गैंग है। ये शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं ये कमाल है भाई इस टाइम में ऐसा कोई बुरा स्लिप हुआ ना बता। ओए कैसा स्लिप हुआ अभी मैं? भाई बहुत बुरा स्लिप हुआ ये ऐसा स्लिप हुआ है बदो बदी चिकड़ो चिकड़ी। शुक्र है मैं बर्फ के ऊपर गिरा था कीचड़ के ऊपर गिरता ओए होए 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 सारा मैंने गंदा हो जाना था ठीक है। तो अभी सारे ऊपर हैं जैसे सारे नीचे आते हैं फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमने नीचे करना पंजाब माशाल्लाह आप कहां से पंजाब उसी लाहौर से हम कौन सा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी फाइनल सेमेस्टर। तो भाई मैं तो पहुंच गया हूं लेकिन अभी तक कोई भी नीचे नहीं आया जितने भी मेरे कंपेनियंस थे सारे ऊपर हैं बाकी हमारे जितने थे वो सारे जीप वाले आ गए। और कैसे हैं अंकल जी ठीक अभी तो कोई भी नहीं आया ऊपर से आ रहे हैं रस्ते में। तो बाकी जो हमारे दो क्लास फेलो थे बाकी दो जीप थे वो लोग तो चले गए जो मेरे साथ थे वो अभी तक आए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है सबसे ऊपर वाले माउंटेन पर गए हैं और मैं वहाँ पर गुम हो गया था इसलिए मैं वापस आ गया हूँ नीचे। तो लेट्स सी वो कब तक आते हैं अंकल भी वेट कर रहे हैं ड्राइवर और हम भी वेट कर रहे हैं और कसम खुदा की मेरा दिल नहीं कर रहा उस ट्रैक से वापस जाने से जिस ट्रैक से हम आए बता कितना खौफनाक था। बहुत अच्छा ट्रैक था और बहुत अमेजिंग था भाई हॉरिबल अमेजिंग रिमार्केबल। अभी बताया है इन्होंने कि सुबह एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ से एक जीप का टायर टूट के गिरा और तीन बंदों का इंतकाल हुआ है। अल्लाह माफ कर अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे देखते हैं। किस चीज का चुप कर भाई तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए चल सही था टूट गया कितने थे मिलने हो जाना मैं तुम लोगों को ढूंढता रह गया ऊपर हम ऊपर थे ही नहीं हम तो उससे भी ऊपर थे मैं ढूंढता रह गया फिर मैं एंड बिट मैं पता नहीं कहाँ गेम हिट मैं वापस आ गया। इधर को किधर को जा रहा है ओए उन्हें भी डाल ही लेके जाएगा इधर ओ ओ चल भाई ओ बॉस ओ घूमते रहो मम्मा अन्ने से पागल आदमी नहीं भाई ये सारे वापस आ गए बेवफा बेवफा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे शुक्रिया पहुंच के मिलते हैं चलो बेवफा की। तो भाई फाइनली अब हम लोग सिरीपा से वापस आ गए हैं और अब हम लोग हैं कहाँ पर शुगरान पर ठीक है इस टाइम आप चांद पे है ठीक है। तो अब हम थोड़ी देर में अपने होटल में चेक इन करते हैं और फिर रेस्ट वगैरह करते हैं क्योंकि सारा दिन थके हुए और मेरी आवाज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सिचुएशन है। तो भाई ये हमारा होटल का रूम ये होटल का रूम टूर होने लगा है ठीक है। इस रूम में हम लोग सात लड़के सोएंगे और ये हमारे और हमारे कोई इशू तो नहीं है दो मैट्रेस ला दें सात बंदे हैं आप रूम दो गद्दे ला दें दो गद्दे है तू ही आठ किलो दे दियो इन्हों कर देना ना बाहर सात बंदे ना गंद गुंद कर देना बाहर सारा दो दो भाई हम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रहने वाले हमारे लिए तो ये लग्जरी नेमत है हमारे लिए तो है ये लग्जरी लग्जरी ठीक है। हम सब हॉस्टलेट्स हैं मसला होगा अनस जैसे मम्मी डैडी बच्चे होगा एयर कंडीशन रूम में रहते हैं ठीक है।
हमारे लिए तो है लग्जरी, हमें पीओ के हॉस्टल्स, मसला होता है ये मम्मी डैडी वहाँ अपडेट टाउन के बच्चों को। जाती होगी मैं नींद की घंटे लाती ओए रुको ओए ओए सारे छड़ पहले उन्नू से फड़ो ना करके दिखाई बॉडी बिल्डिंग ओए ओए देखिए इतने आना हड्डी ना क्रैक हो जाए तेरी भाई जान तेरा मौसम चेक करो ओए होए 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 अब हम भाई कैसे जाएंगे चले जाएंगे तुर गए यार मोहब्बत वाले माँ से जनाता कल सुबह 10 बजे तक की जाएगी ते कुलखाने कितने बजे होगी भाई की यार बड़ा अफसोस हुआ यार हमारा क्लास फेला था स्टूडेंट तो सीआरसी छोटा सीआरसी छोटा बेचारा बहुत अच्छा बंदा था यार लेकिन कोई नहीं अल्लाह पाक बख्श रहा है तो भाई सारा दिन घूमने के बाद अब हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है और होटल की लॉबी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है गोला शॉट है ये बंदा जेंट ब्लैक अब से जा रहा हूं मुझे छोड़ के दूसरे पहाड़ पर चढ़ गए और आप लोगों को पता है मैं कैसा मस्कीन हूँ कितने टहलता हुआ नीचे आकर उदास होके बंदरों को देखता हुआ बैठो जी बैठो 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 ये ऊपर सीढ़ी है नीचे पाए हैं ये भी रुक तो दो ये भी मैंने भी देखी रुक तो दो ना रुक तो दो ना रुक तो दो भाई ये वो जगह जहां मुझे छोड़ी बेवफा रख रहे हैं तेरी इसी हरकत की वजह से कटे रखना कबूतर यसु बंजु ओए ना ना बाबा रैप तुमने हैं कबूतर आएगा तो बाबा रैप तुमने करना पड़ेगा वो क्या होता है बाबा रैप तुमने करना बस तुमने बाबा रैप तुमने करने का जरूरत है बाबा रहमतुल्ला बाबा रहमतुल्ला बाबा रहमतुल्ला चंडो चंडी चंडो चंडी बदो बदी चंडो चंडी बाबा रहमतुल्ला चल 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 ओह रोने लग पड़ा और मुंह लाल हो गया और जिड्डी हो जी सीधे मर जाना उदे अरे भाई ये लोग मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हैं जिसकी जल्दी डाल दे जल्दी जल्दी आ रही मैं बुक टेंशन नहीं लेनी खुला मार तो बस हम जल्दी डाल मुझे भूख बहुत लगी है अभी खाते हैं अराई हो गए प्याज नहीं मंगाया इंज कि ये हमारी देखी कितनी गंदी भाई आपका पेयर ग्रुप किधर है किसका मसूद भाई का मैं नहीं आया देख लो इसने मुझे मिस करा दिया का पेयर ग्रुप किधर है मसूद भाई वेयर इज योर फैमिली एट होम योर बेस्ट फ्रेंड एट होम वो भी पता करो पता नहीं हो रही है कि नहीं कैसे वीडियो बनाता है आगे पीछे इन अपने नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद Excuse me. So right now Masood Fareed Bhattu saab
is going to sing you a song. Sing you a song. Sing you guys a song. Okay. Yeah. So. वैसे भी मेरी सही कराते-कराते आपकी गाँव से खराब हो गई यार. हो जाती है कुछ. वो भी ठीक है जो वो बोल रहा है. सबका भाई मसूद भाई गाना सुनाएगा. चलो भाई अब तो गया. आशा करो क्या प्लान्स हैं आपके डिग्री के फ्यूचर के डिग्री के बाद के. ठीक है तो सबसे पहले फ्यूचर तो मेरा बना हुआ है. माइक्रो यार.